गुरुवार को दुर्ग जिला भाजपा कार्यालय में भारत की एकता एवं अखंडता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले हम सब के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्प माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर पुण्यतिथि मनाई गई। इस दिवस को बलिदान दिवस के रूप में मनाते हुए इस अवसर पर गोवर्धन जायसवाल, महामंत्री ललित चंद्राकर, उपाध्यक्ष संतोष सोनी, मंत्री दिनेश दिवांगन, मनोज मिश्रा, अनूप गटागट सहित भाजपा के अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल रहे। बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी अमर रहे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी अमर रहे। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। जो कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा। वंदे मातरम। वंदे मातरम। माननीय गोवर्धन जायसवाल जी हमारे वरिष्ठ भाजपा नेता हैं। माननीय गोवर्धन जायसवाल जी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के स्मरण में संबोधन देंगे। आज 23 जून डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है, जो कि नेहरू मंत्रिमंडल में उद्योग मंत्री थे। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में है, भारत की और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन के जो है स्थापित हुई है, तो ये निश्चित है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान यदि नहीं होता तो आज भारतीय जनता पार्टी जो है का निर्माण भी नहीं होता और भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम तक नहीं पहुंचती। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू मंत्रिमंडल में रहते हुए उन्होंने सबसे पहले उद्योग मंत्री का जो है त्याग किया। उन्होंने अपने पद से त्याग करके जो है वो गुरु गोलवलकर जी के पास गए और उन्होंने एक राष्ट्रवादी पार्टी बनाने की जो मंशा जाहिर की। गुरु गोलवलकर जी ने जो है उन्हें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जैसा जो है सहयोगी दिया और उस समय जो है जनसंघ की स्थापना हुई, जो आगे चल के जो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में है। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का वो बलिदान जो उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दिया और उसके बाद आगे चल के भारतीय जनता पार्टी के जो निर्माण हुआ, उसमें कश्मीर यात्रा जो उनकी थी, जिसमें कि उन्होंने दो विधान दो निशान के खिलाफ जो पद यात्रा की और जो भारत से हजारों लोग लाखों लोग वहां पहुंचे और वहां पर जो है रहस्यमय परिस्थितियों में जो है उनकी मृत्यु हो गई, जो कि आज भी रहस्य का विषय है। तो उनका यह बलिदान जो है आज पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और पूरे देश भर में इसको हम बलिदान दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज हमारे समस्त भारतीय जनता पार्टी के मोर्चा प्रकोष्ठ के जिला के पदाधिकारी, महिला मोर्चा समस्त आज जो है यहाँ पर भाजपा कार्यालय में एकत्रित हुए हैं और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के तैल चित्र में हम माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलन कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आज मुझे वैसे तो प्रथम की मेरी परंपरा रही है, जब भी डॉक्टर साहब या मुखर्जी जी का या किसी भी कार्यक्रम हो उपस्थित होना मेरा आचरण में रहा है, क्योंकि मैं पापुण कालीन हूँ और ये मेरे लिए सौभाग्य का अवसर है कि आज यहाँ मुझे आने का अवसर मिला। और दो संविधान दो विधान को लेकर के जो अभियान चलाया वह आज मोदी जी के नेतृत्व में सफल हुआ, इसे संपूर्ण विश्व देख रहा है। यह हमारे देश के लिए, हिंदुत्व के लिए, संपूर्ण समुदाय के लिए बड़ा ही गौरवमयी बात है। इसके लिए मोदी जी भी धन्यवाद के पात्र हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ मुखर्जी जी को नमन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ।